राजीव नमस्ते आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त विदु सलाथिया और आज आप सबके लेके आ गई हूं हमारा एक और नया व्लॉग। सो मैं आपको बता दूं कि जो आज का हमारा व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जिस जगह पर मैं आई हूँ वो हमारे एक तरह से रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशन को शो करता है। और इस जगह का नाम मैं आपको बता दूं, आपने टाइटल से देख लिया होगा और पता भी लग गया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बजुर्गे दा वेड़ा। बजुर्गे यानी कि बुजुर्ग, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं घर, उनके बारे में यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में दर्शा रही हैं। और हाँ, एक बात और बता दूँ, आज का व्लॉग जो है वो इसलिए भी स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज मैं इस व्लॉग में आपको बहुत स्पेशल इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ। सो उसके लिए आपको व्लॉग जो है पूरा एंड तक देखना होगा। और जो मेरे चैनल पर आज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें। बुजुर्गी का वेड़ा, रात बुजुर्ग दिख सकते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा स्टैचू बनाया जिसपे अपने दादाजी के कंधे पे जो है छोटा सा बच्चा जो है ऐसे लगा हुआ चढ़े हुए, तो आप देख सकते हैं इसको। चलिए अभी हम बात करते हैं, ये दुकानदार है, एक दुकान है जिसकी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये बुजुर्गी का वेड़ा कैसे बना, कब से बना और क्या इसके पीछे का। तो मैं आपको बता दूं भी मेरे साथ हैं सुनील शर्मा जी। तो सारे को पहले तो मैं डोगरी विच गल करना ज़्यादा पसंद करगी क्योंकि बुजुर्गें का बेड़ा जेड़ा है साढ़े जम्मू च है। साढ़ा जेड़ा जम्मू कितना खूबसूरत है तुसे सारे ही पता है, तो इन्नी शैल जगह जेड़ी है इधर बनाई गई है, तुसें गी संगवाल इस जगह का नाम है, पूरा एड्रेस जेड़ा डिस्क्रिप्शन विच देगी, तो जेड़ा इधर आना चाहता है वो आई सकता है। तो इन्दे कने गलबात करने आ ते जानने आ कि के रीज़न आ जेड़ा कि कियां बनिया, कदों बनिया ते किन्ने लोग आंदे आ, सारा कुछ जेड़ा सुनील शर्मा हुंदे कोलों जानने। ते वेलकम सर, तुहाडा साडा यूट्यूब चैनल। नमस्ते तुम सारेयां नूं। हां जी, ते तुसीं सानूं सुणाओ कि तुस मतलब इह कदों स्टार्ट होया, इह के इहदा रीज़न आ, तुसीं अगर जानदे हो ते सानूं, साडे जिहड़े दर्शक इस टाइम दिखाने उहनां नूं सुणाओ। सब तो पहले तो बनाने का मकसद यह बनया कि जिन्होंने ये बनाया जो सानू सुनांदे ने कहंदे कि अहीं किते भी मंदिर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, मस्जिद जाइए तो कुछ चीज़ा दिखते, जियां कि पखा हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ चलते कुछ नहीं चलते, लेकिन उनके पर ना जरूर लिखे हुंदा सी कि स्वर्गीय फलाने के नाँ दे, स्वर्गीय फलाने के नाँ दे। तो उन्होंने दिमाग च ये चीज़ आई कि लोग मरण के बाद अपने कि कुछ करते हैं, तो ये चीज़ मरण के बाद उन्होंने करते दिखता कोई है नहीं, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का, क्यों ना ये चीज़ बनाइए, जिंदे जी बनाइए ना, जिन्हें वास्ते बनाइए वह भी देख, उन्हें जो बंदे सारे देख। ये फिर बनाया उन्होंने अपने माँ प्यो वास्ते, तो माँ प्यो नूं दस्या कि तुहाडे वास्ते बनाया और तुहाडे जे बजुर्गों वास्ते बनाया कि आन अपना टाइम स्पेंड करन, हसन बैठन, दो चार गल्लां सानू भी सुनान, सानू भी बजुर्गों कोला सीखने वास्ते कुछ ना कुछ मिले इत्थे। अच्छा, तो बड़ा ही शैल जिहड़ा कंसैप्ट है इंदे माइंड च आया कि अस कुछ भी चीज़ बनाने, लाइक जिले साडे बुजुर्ग जिहड़े आ साडे विच नहीं रहिंदे आ, ते अस उंदे नाम उपर जिहड़ा एक प्लेट्स लाइने अगे ते लिखी ने कि उंदी याद विच जिहड़ी आ चीज़ां जिहड़ियां बनाई गईयां। लेकिन जिहड़ा इह बुजुर्गे दा बेड़ा है इहने इसलिए बनाया, अपने सारे कोलों स्पैशल गल जिहड़ियां ने अपने पेरेंट्स वास्ते बनाया, ते उन्हें दस्या कि अस जिहड़ा तुहाडे वास्ते चीज़ बनाने और तुहाडे जे ऐसे बुजुर्गे दे वास्ते जिहड़ी है इह चीज़ बनाई है। ते इधर बड़े लोग आंदे आंदे रहिंदे आ, ते दिन इतने 40-50 फैमिलियां रूटीन च आदियां, तो शनिवार तो ऐतवार इतना थोड़ा ज़्यादा रश हों, उस दिन छुट्टी होंगी है, छुट्टी वाले दिन कोई भी बिच छुट्टी हो उस दिन भी ज़्यादा रश पैंदा इतने। ठीक है, तो इधर जो बड़ा शैल जगह लगी मिगी भी, बुजुर्ग अपने बुजुर्ग की जी रिस्पैक्ट है इस टाइप का कोई कही सकता है कि लाइक इे लिया कुछ कंसैप्ट ले आइए, साडे बुजुर्गें की यह फील कराया जाए कि अस भी जी उनकी रिस्पैक्ट करने। बड़ा शैल कंसैप्ट है, तुम सारे जरूर आयो इधर एक बार, तो एड्रेस जोड़ा मैं डिस्क्रिप्शन से दे उड़गी। तो सर बड़ा बड़ा धन्यवाद तुम्हें सानी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलो अब तो सू अगे दसनी है कि और के चीज़ है। चलो
हुन तुसें दस्सनी आं कि इस बजुर्गें दे विड़े च ऐसा केह् स्पैशल ऐ ते केह् ऐसा ऐ जेह्ड़ा बजुर्गें दे जेह्ड़े रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन्स ऐ साढ़े ओह् दर्शांदे ऐ। ते सारे कोला पैह्ले तुस एह् दिक्खो एह् किन्ना प्यारा इन्हें स्टैचू बनाए दा, बच्चे जेह्ड़े ऐ ओह् खेला दे ऐ, जेह्ड़े पराने जमाने दे बच्चे होंदे ओह् कि'यां खेलदे एह्दे विच दिक्खी सकने तुस। एह् कोल आइयै दस्सी लो थोड़ा, ते एह् किन्नी शैल स्टैचू जेह्ड़ी ऐ इद्धर बनाई दी ऐ। चलिए अंदर चलचै, इद्धर एक दिक्खो तुस दिक्खी सकने हट टाइप इक चौंपड़ा टाइप बनाए दा ऐ, इहदे अंदर भी जन्ने ओह दिक्खिए एक बच्चा जेह्ड़ा खिड़की विचों दिखा दा, एह बड़ा ही शैल बनाए दा, जो पुराने जमाने दे घर ही वह सारा दर्शा दे। ते चलो चलचै अंदर, एह बाहर दिखी सकने बड़ी प्यारी चीज़ है जेह्ड़ी कड़े बोलते हैं इन्हें डोगरी विच, कड़े ते इहदे विच पानी जेह्ड़ा वह ठंडा रहिंदा है। ते वह भी इन्हें इधर बाहर रखे दा है कि जेहड़े पहले लोग है वह फ्रिज यूज नहीं करते, रेफ्रिजरेटर यूज नहीं करते, ते कड़े का पानी जेहड़ा वह पीते, एक तो बड़ा ही प्योर पानी होंदा। आओ अंदर चल, ये तुस दिखी सकने अंदर इस चीज़ की बोलते हैं मंजा खट चारपाई जिसी अस हिंदी विच बोलने हैं, ते वो है जेहड़े साढ़े पुराने जमाने दे बुजुर्ग है। बड़ा शैल लगा था इधर आइए से सच्ची, ते दिखो उपर तुस दिखी सकने पूरी उपर पुराने जमाने वाली फीलिंग आ रही, पहले कियां जेहड़े साढ़े बुजुर्ग है वह रहिंदे हे। इधर तुस दिखी सकने बड़े ज़्यादा लोगों को नहीं पता, अजकल अस इन्ने एडवांस होई गए कि सानू जेहड़ा ये नहीं पता कि चूल्हे उपर भी रोटी बनती ही। तो तुस दिखी सकने इधर एक निक्का जी बच्ची अपनी माँ कोल बैठी दी है, जेहड़ी माँ है वो रोटी बना दे चूल्हे उपर तवा चढ़े दा, वह उन्दे कोल गागर जी कुछ रखी दी है चोकला बेलना है, तो बच्चा है एक निक्का जिहा जिन्हें हत्थ च शायद झारी लेती दी है। ये बड़ा प्यारा लगा रहा, तो दिखो तुस पूरा पुराने जमाने वाला जेहड़ा मतलब पहले जेहड़े साढ़े बुजुर्ग है वह कियां रहिंदे पूरा इधर दर्शाया है, दिखी सकने तुसे बड़ा ही प्यारा है। तो इधर एक जू भी है वह भी तुसें दसनी, चलो जी। तो जियां मैं तुसें दस्सिया कि इधर बुजुर्गें का बेड़ा जेड़ा बनाए दा, उदे कन्ने कन्ने इन्हें इत्थे एक जू भी बनाए दा जेड़ा बड़ा प्यारा है, ते बड़े सारे जेड़े जानवर है इत्थे है, ते वो भी तुसें दस्सनी आ। सारे कोला पहले ते मिगी लभिया पिटबुल, पाकिस्तानी बुली, दिखी सकने तुसे पिटबुल जी और जेड़े बड़े आराम कन्ने इत्थे सोआ दे हैं। अगे चलने और अगे दिखने कि के है। आओ इधर तुस दिखी सकने इहदे उप्पर लिखे दा अमरीकन मुर्गा, टक्करी टर्की पता नहीं, वह तुम दिखी सकने मुर्गा और जेड़े सानू लब्भा दे नहीं है, लेकिन फिर भी बिचो थोड़ा जहा दसने की कोशिश जरूर करके, तुसें अमरीका जाने की जरूरत नहीं है, इतने अमरीकन मुर्गा तो इतने लभी आना। चलो अगे दिखचे अगे के है ऐसा, इधर भी लगा है रशियन मुर्गा लिखे दा जिसे सिल्की भी अस आखने हैं, ते सिल्की मुर्गे जेहड़े इतने बैठे दे बड़े आराम कन्ने बड़े प्यार कन्ने, ज्यादा मुर्गे ही लगा दे, ते रशिया जाने की जरूरत नहीं है, तुसी ए सिल्की मुर्गा जेहड़ा रशियन है वह भी इधरों दिखी सकने हैं। तुस अगे आओ, अगे भी मुर्गा ही है सील मुर्गा है जिसे अस लड़ाकू मुर्गा बोले हैं, ते दो है वह लगा दे, इन्हें फाइट भी कराई जाती है, आई बड़ा शैल लगा इधर आइए। तो बटेरे जेहड़े जापानी लखनऊ के बटेरे हैं ये अंदर, अगे आओ अगे तुसेंगी ये मोरनिया जड़िया बड़िया प्यारी लगा दी हैं, ये जड़िया ये मोरनिया ये अंदर तुम दिखी सकने बड़ी शैल है, ते तुहाडे सारे दे फेवरेट मेरे ते बड़े ज़्यादा फेवरेट है तुसें दसा। इधर खरगोश जेहड़ा लिखे रहा दिखी सकने तुस, बड़े क्यूट जेहड़े हैं ये लगा दे हैं, इत्थे आइए तुस सारे भी इधर आइए जेहड़ा ये आनंद ले सकने हैं, ते एड्रेस बार बार बोलनी है डिस्क्रिप्शन में पाई देगी, तो दिखी सकने किन्ने प्यारे लगा दे हैं। चलो अगे चलिए दिखचे और के है ऐसा, ते जंदे जंदे मी इधर एक दुकान भी लभी है, ते दुकान च आई गैस कुछ पकवान वगैरह भी बना दे हैं, खेलो खाओ पुण्य कमाओ जेड़ा इंदा बोर्ड है जेड़ा इन्हें लिखे रहा है, दिखी सकने तुस इधर शायद मोमोस टिक्कियां कोल आइए दिखी सकने। तो भैया आप हमें बता सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है? हाँ अभी चा मोमोज फ्राई कर रहे हैं वो, चौमिन्स बर्गर सैंडविच सारा कुछ तुम खाई सकने इधर आइए, फास्ट फूड जो आखा रहे हैं कंप्लीट तुसें इधर मिली जाएगा, जो फास्ट फूड के शौकीन है इधर आई सकते हैं, तो इधरों खाई सकते हैं। चलो अगे बढ़चे, इधर कुछ लिखा भी है इंजॉय एवरी वीकेंड विद डोगरी फूड ऑन एवरी सैटरडे, ओ डोगरी फूड जोड़ा है वह भी इधर मिलता है, तो इधर लिखे है स्पैशल थाली जी कि 100 रुपये की है, तो डोगरी थाली जी कि 80 रुपये की तुसें इधरों मिली जाएगी, तो बड़ी सस्ती है, आई सकने तो मज़ा लुटी सकने। आओ अगे दिखो, ये देखो ये बड़ा ज़्यादा प्यारा बनाए रहा इन्हें, तुम दिखी सकने ये अंदर जेड़े है डक्स हैं, देखो तुम कि शैल लगे दिखिए अखी बड़ी शांति मिला दी है, आइए तुस भी इधर जेड़ा इस जगह की इंजॉय करी सकने, बड़ी प्यारी जगह है इधर, इधर कुछ इन्हें साढ़े
पूर्वज भी बिठा लेने हैं, तुस देखी सकने हैं ते दो पूर्वज जेड़े ने ते बिठा लेने हैं। बड़ी प्यारी जगह तुस देखी सकने, लोग बड़े आए रहे हैं यहाँ पे, कैमरा के बड़े लोग भी आए रहे हैं। चलो ये बड़ा ही प्यारा है, उस साइड भी इन्हें कुछ बनाए रहा है, दो साइड आएंगी और एक ही कन्ने कन्ने इधर एक कोई दीप रेखा करिए जेड़ा रिसोर्ट भी है, जिधर तुस जेड़े हैं अपने ब्याह वगैरह फंक्शन जेड़े हैं इधर कवर करी सकने। तो चलो और एक और चीज़ जेड़ी लब्भा दी है मिगी इस टाइम, वो है साढ़े कबूतर, कुछ छे देशों के कबूतर जेड़े हैं वो भी इधर हैं, तुस वो भी दिखी सकने। चलो आइए दिखचे वो भी। इधर लिखे कबूतर जेडे कि छे देश छे कंट्रिया के कबूतर जेड़े हैं तो इधर मिली सकते हैं। तो कबूतर शायद छुपे हुए हैं इसलिए अंदर चली गए हैं। एक कबूतर जेड़ा मैं बाहर लब्भा रहा है पर मैं पता नहीं है कि देश का कबूतर है। तो एक इधर लब्भा है बड़ा ही क्यूट जहा जरा चली आगे। तो इधर तुम आई सकने, गाने भी बड़े शैल बजा रहे हैं डोगरी वाले, तो बड़ा शैल लगा था, तुम सारे आई सकने। और हाँ, जिन्हें मैं तुम्हें वीडियो के पहले ही बोलिया है कि बड़े खास शख्सियत कन्ने मिलाने जानी है, तो हम उन्दे कन्ने मिलने अस आखिर उन्दे कन्ने मैं तुसें मिलाने जा रही। चलो चलो सुनाई रहा कि जेड़ा है बुजुर्गी का बेड़ा है दो जगह पर है, एक दिन इतने एक जो मैं सुनाया दीप रेखा करिए जेड़ा है रिसोर्ट बना रहे हैं। तो तुम जगह देखी सकने हैं, दो जगह डिवाइड हो रही है, एक तो उस साइड जो झंडे लब्भा दे हैं उस साइड है बुजुर्गी का बेड़ा जिधर कि तुम खाई पी सकने हैं। इधर एक इन्हें पार्क टाइप बनाए दा इधर जेड़ा तुम आइए बसोई सकने हैं। तुम मैं कहना चाहनी है देखिए इन्हें बड़ा शैल थले फर्श बनाया जेड़ा उदे उपर जेड़ा लूडो की पूरी जी गेम है वो बनाई दी है। तुसें एक चीज़ और दसनी है, मैं इधर आइए आओ मेरे कन्ने। तो मैं तुम्हें सुनाई रहा कि इन्हें इधर भी जड़िया बड़े शैल शैल जड़े हैं वो स्टैचू लाए दे हैं। तो मेरे पीछे तुम देखी सकने हैं एक जी जनानी बैठी हुई है, तो ये हाथ में कड़ा है, कड़े के पीछे ना जो फाउंटेन तुम्हें लब्भा है कुआं है, पूरा कुआं बनाए दा तो वो जड़ा है जनानी पानी भरे कुछ ये लाई दर्शाया है। क्योंकि पहले जमाने में जी जनानियां हैं जी औरत होंदिया और जो पानी लेने के कुएं में जाना तो कुछ वो लिया इन्हें दर्शाया है। इधर तुम देखी सकने एक काले कपड़े पाइए जी कड़ा चुके सिर उपर पानी का, कपड़ा देखिए जेड़े ने कपड़े पाए रहे उसे देखिए भी गाना भी चेता है साडा डोगरी गाना धोबन पानी इन चली है। तो बस उइयो दर्शा है मी लगा गाने वास्ते ही बनाया इन्हें। तो बाकी इो हाँ साडा बुजुर्ग का बेड़ा तुम देखी सकने पिछले बड़ी शैल जगह है। तो बाकी हूँ तुम्हें शख्स कन्ने मिला ते जिंदे कन्ने मैं तुसें बोलिया वीडियो ने स्टार्ट गए कि मिलवान जानी है कोई बड़े स्पेशल शख्स है, ते मेरे कन्ने छोटा पैकेट बड़ा धमाका पर्सनैलिटी टाइम है। ते मैं दसना है तुसें कि कुंदे कन्ने मैं मिलान जाती ही, ते उंदा नाम है अक्षत सलाथिया। ते है साडे अक्षत सलाथिया जेडे कि यूट्यूब चैनल भी आई इंदा, ते यूट्यूब चैनल पर बड़ी ज्यादा जेडी है कॉमेडी करते हैं लोगों की हसांदे एंटरटेन करते हैं। ते इंदे कोलो जाने ए भी बुजुर्गे दे बेड़े आए थे, ते इंदा की एक्सपीरियंस रहा इधर आए। मैं हिंदी में बोल सकता हूं? हाँ बिल्कुल हिंदी में बोलिया। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे मतलब कि लोगों के लिए पूरी सुविधा दी गई है, यहाँ पे खाना भी चीप प्राइस में आपको मिल जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, फिर बहुत सी चीजें हैं। और आप मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पे आए और यहाँ का मनोरंजन ले और खाना भी खाए, यहाँ पे बहुत अच्छे राजमा चावल मिलते हैं। राजमा चावल मिलते हैं। मुझे ये बताइए पहले आपने क्या क्या खाया यहाँ पे? मोमोस, स्प्रिंग रोल, राजमा चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मतलब सारी दुकान खा ली आज यहीं पे है ना? जी सारी दुकान ही। तो अक्षत आपने YouTube चैनल के बारे में बता दीजिए सबको। मेरे चैनल का नाम है अक्षत सलाथिया, आप उसको सर्च करके उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हाँ और साथ ही साथ अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी है तो मतलब सारी देख लो मेरी वीडियो और एक अच्छा सा कमेंट करना कि मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, आप उस जगह आओ आए हो और वो करना और मेरी वीडियोस को शेयर भी करना और इनकी वीडियोस को भी करना और इनको भी सब्सक्राइब करना जिसने। थैंक यू अक्षत, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ अक्षत सलाथिया जी जो कि कॉमेडी वीडियोज बनाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो जाइएगा, जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ आप इनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं, उसका लिंक जो है
वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो अभी यही था हमारा आज का व्लॉग बुजुर्गी का बेड़ा, जिन्हें मैं तुझे सारे सुनाया। जरूर आओ इधर संगोवा आल 17 माइल सारे पता ना, उधर तुम आई सकते हो। गुड़ा सलाथिया तो आना हो तो संगोवाल जेड़ा है, संगोवाल इस जगह का नाम है, इधर आए बुजुर्गी का बेड़ा, बड़ा शैल लगे अपने वीकेंड इंजॉय करने वास्ते तुम इधर आई सकने हैं। तो बाकी खाना बड़ा ज़्यादा चीप प्राइस बिच मिली सकता है, रोटी खाई सकने आराम करने अपनी फैमिली करने आओ इंजॉय करो। तो हूँ दो मिनट इजाजत, मिलनी है थोड़े कन्नै अगली वीडियो च कुछ ऐसे ही जगह दे कन्नै। उसले लई जय डुग्गर जय मां डोगरी जय हिंद जय भारत। सो फाइनली हम हो आए हैं बुजुर्गी दे बेड़े और हमारी हालत भी बुजुर्गों वाली हो गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा कर। We'll be right back.